Good morning, please. This is Deepak Chauhan. दोस्तों मिस्टर अनिल सक्सेना ने मुझसे दो प्यारे फ्रेज पूछे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत ही उपयोगी फ्रेज है दोस्तों. तो समझें उस फ्रेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका मीनिंग्स क्या होगा, उसके मायने क्या होंगे, ये सारी बातें. बहुत ही नया फ्रेज है, शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या किसी के मुंह से बोलते हुए सुना होगा. तो समझते हैं वो फ्रेज क्या है दोस्तों. वो फ्रेज है फॉल बैक अपॉन या फॉल बैक ऑन. आप ऑन अपॉन कुछ भी लगा सकते हैं, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक अपॉन. दूसरा फ्रेज है कम डाउन. ये दो है. तो दोस्तों बहुत ही उपयोगी फ्रेज है. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें, उसकी एक एक बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए. उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर क्या दोस्तों अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो बहुत से लोग को शेयर करें, बहुत से लोग को, जिससे हर किसी को इसका फायदा मिल सके. और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. यस, चालू करें दोस्तों. तो वर्ड है फॉल बैक अपॉन एंड कम डाउन. तो पहले समझते हैं फॉल बैक ऑन या अपॉन, जिसका मतलब हो रहा है रिलाय ऑन, भरोसा करना, रिलाय ऑन या डिपेंड ऑन. डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन उस कंडीशंस में व्हेन अदर्स ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल. जब दूसरे कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं, सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, तब हम लोग डिपेंड ऑन न बोलते हुए हम लोग बोलेंगे फॉल बैक ऑन या फॉल बैक अपॉन, ऐसा बोलेंगे. हिंदी में देखते हैं भरोसा करना, दूसरा रास्ता तलाशना, तो निर्भर करना. निर्भर करना भी हम लोग कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं, निर्भर करना, निर्भर करना या निर्भर रहना. ओके, दोनों यूज किया जा सकता है. अब सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं दोस्तों. बहुत ही प्यारा वीडियो, बीच में नहीं छोड़ेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट. I usually fall back on my friend in need. I usually fall back on my friend in need. जरूरत के समय मैं अपने दोस्त पर भरोसा करता हूं, निर्भर रहता हूं. सामान्य तौर पर, या सामान्य तौर पर नहीं लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, यूजुअली लिखा था मैंने. सामान्य तौर पर जरूरत के समय मैं अपने दोस्त पर भरोसा करता हूं या निर्भर रहता हूं. जब मुझे जरूरत होती है तो और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तब मैं अपने दोस्त पर डिपेंड रहता हूं, उस पर निर्भर करता हूं. आई यूजुअली फॉल बैक ऑन माई फ्रेंड इन नीड. यूजुअली फॉल बैक ऑन माई फ्रेंड. यस, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो अपना दोस्त जिंदाबाद हम वहां जाते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं. When I lost my job, I had to fall back on my savings. When I lost my job, I had to fall back on my savings. बिल्कुल सही है. जब मेरी जॉब छूट गई, जब मेरी जॉब चली गई, मुझे अपनी बचत पर निर्भर रहना पड़ा, मुझे अपनी बचत पर निर्भर करना पड़ा. वही ऑप्शन बचा था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था. जॉब जा चुकी थी, सैलरी मिलना बंद हो गई थी, तब क्या करता, तब मैं अपने सेविंग्स पर मुझे निर्भर रहना पड़ा. ये एक ऑप्शन बचा हुआ था और सारे रास्ते खत्म हो चुके थे. नेक्स्ट, इफ माई बिजनेस डज नॉट गो वेल, आई विल फॉल बैक ऑन टीचिंग. मतलब क्या रहा दोस्तों, मैं एक टीचर हूं. सपोज मैंने कोई बिजनेस चालू किया और अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है, तब आखिरी में रास्ता क्या बचेगा, टीचिंग. सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, टीचिंग ही बचेगा. तो कह रहा है जब मेरा बिजनेस नहीं चले, अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, इफ माई बिजनेस डज नॉट गो वेल, अगर मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा, आई विल फॉल बैक ऑन टीचिंग, तब मैं टीचिंग में आ जाऊंगा, तब मैं टीचिंग पर निर्भर रहूंगा, तब मैं टीचिंग पर भरोसा करूंगा. आप ये कह सकते हैं, वही एक ऑप्शन बच जाता है. यस, तो डिपेंड ऑन और फॉल बैक ऑन में अंतर है. फॉल बैक ऑन का मतलब होता है सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, यही एक बच जाता है. और डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर करना. अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि कम डाउन, कम डाउन का मतलब क्या होता है. कम डाउन का एक मतलब तो होता है कि नीचे उतरना, वो अलग चीज है. लेकिन कम डाउन का एक और मतलब होता है स्कोल्ड, क्रिटिसाइज या पनिश टू हार्ड. डांटना, बुराई करना, सजा देना बहुत सख्त तरीके से, टू हार्ड. स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, पनिश टू हार्ड, बुरी तरीके से डांटना, बुराई करना, सजा देना. इतने सेंस में आएगा दोस्तों, समझते सेंटेंस. जब तक सेंटेंस नहीं समझेंगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि सेंटेंस मेकिंग कैसा होगा, मीनिंग्स क्या होगा. समझते हैं,
It is a child. Please don't come down on it too hard. बच्चे को दोस्तों न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, इसलिए बच्चे को इट कहना पड़ेगा. ही और शी नहीं कहेंगे. आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, बच्चा जो है न्यूट्रल जेंडर होता है इंग्लिश में. तो ये कह रहा है कि यह बच्चा है, कृपया इसे सख्ती से ना डांटे. यह बच्चा है, कृपया इसे सख्ती से ना डांटे, इसे बहुत बुरी तरीके से ना डांटे. बच्चा भैया, बच्चा गलती तो करेगा. तो ये कह रहे हैं कि इट इज अ चाइल्ड, प्लीज डोंट कम डाउन ऑन इट टू हार्ड या हैवीली. टू हार्ड या हैवीली बहुत बुरी तरीके से मत डांटो इसे, हर्ट हो जाएगा. बच्चा बहुत नाजुक होता है. या लास्ट सेंटेंस, गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू कम डाउन हैवीली ऑन टेररिस्ट. गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू कम डाउन हैवीली ऑन टेररिस्ट. सरकार ने आतंकवादियों से सख्ती से निपटने का वादा किया. सरकार ने आतंकवादियों से सख्ती से निपटने का वादा किया. दैट्स ऑल दोस्तों. तो मुझे उम्मीद है आपको मिस्टर अनिल सक्सेना, आपका जो डाउट था इसमें क्लियर हो गया होगा. बहुत ही मजेदार फ्रेज था. सभी व्यूवर्स मुझसे बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेज पूछते हैं, जो मोस्टली मुझे लगता है आप लोग द हिंदू पेपर पढ़ते होंगे तो वहां से सारे फ्रेजेस निकलते हैं. तो दोस्तों पेपर पढ़ना बंद ना करें. न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है. मैगजीन पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है. बुक्स पढ़ा करें, नॉवेल्स पढ़ा करें. ये सारे रीडिंग हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को कभी बंद ना करें. यस, वी हैव टू रीड मेनी बुक्स एंड आफ्टर रीडिंग बुक्स वी हैव टू टेक आउट न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस, सो दैट वी मे यूज देम इन आवर स्पोकन, ताकि हम अपने स्पोकन में उसका इस्तेमाल कर सकें. दोस्तों सामने वाले को इंप्रेस करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है और अपनी भाषा को अफेक्टिव, इंप्रेसिव, डेकोरेटिव बनाना है तो ये फ्रेजेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. लेकिन बिना समझे नहीं करना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा और आप लॉफिंग स्टॉक बन जाएंगे. इसी में आपसे बार बार लगभग सभी वीडियो में कहता हूं कि आप पहले मेरे वीडियो को समझे, मेरे टॉपिक को समझे, उसके बाद बोलने की कोशिश करें. और लाउडली प्रैक्टिस करने की बात करता हूं, क्योंकि लाउडली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने प्रोनंसिएशन को भी अच्छे से समझेंगे. धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए दोस्तों. लेकिन अपने डाउट्स पूछना बंद ना करें, इसी प्रकार डाउट पूछते रहा करें. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आने वाला हूं, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. यस, मैं सही कह रहा हूं. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिशों के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.